What volume of bills range? Half plus seven. Plus six. Plus six, chapter four. Chapter four है आपका. Sorting materials into groups. Sorting materials into groups. Sorting materials into groups. Sorting समझ करना, separate करना, जैसा ये second video है, इस chapter का, first video मैंने chapter का भेजा है, तो second video है, जैसा आप जानते हैं sorting means separation of materials into groups, groups में materials को कैसे separate करते हैं, इसमें मैंने classification of living एंड लॉन्ग लिविंग पहला बंद मैंने ऑब्जेक्ट बताया था कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं. दूसरा मैंने बताया था लिविंग में अगर हम क्लासीफाई करें तो प्लांट एंड एनिमल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट. नॉन ऑब्जेक्ट को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाई ऑन बेसिक ऑफ मटेरियल जिससे वह बने हैं उस के आधार पे, उनके कलर के आधार पे, यूज के आधार पे, शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, अपीयरेंस के आधार पे, हार्डनेस और टेक्सचर के आधार पे हम नॉन लिविंग को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. जैसे टेबल नेम, बेकर, बेकर ड्रायर, चेयर, यूटेंसिल्स, टेस्ट ट्यूब, रूलर, बेड, मैग्नेट, फनल, मग, डोर, पैन, मिरर, बॉडी फिंगर. आउट ऑफ दिस टेबल, चेयर, बेड एंड डोर आर मेड अप ये वुड से बने हैं. नेट यूटेंसिल्स, मैग्नेट, क्वाइंस आर मेड ऑफ मेटल्स. बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल मेड ऑफ ग्लास. ट्रॉय, रूलर, मग, पॉलीथीन ये सब प्लास्टिक से बने हैं. तो किससे बने हैं इसके आधार पर हम अलग कर सकते हैं. राइट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. पहला प्रॉब्लम है given below are the names of some objects and materials, group them. Round shape and other shape. Water, basketball, orange, sugar, globe, apple, earth and pitcher. इनको group करना है round shape और other shape. मैं तो basketball, orange, globe, apple, earth and pitcher. ये जो है आपका round shape में हो जाएगा. Water और sugar other shape में. इसमें दूसरा ग्रुपिंग कर सकते हैं हम ईटेबल एंड नॉन ईटेबल यानी खाने योग्य और ना खाने योग्य. तो वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल या ईटेबल है. बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थ एंड पिचर ये आपका नॉन ईटेबल है. तो ग्रुपिंग का आप तरीका देख रहे हैं कि कैसे ग्रुपिंग किया जा रहा है. मटेरियल्स एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर किसे कहते हैं जिसके पास मास है यानी द्रव्यमान है और वह स्थान लेता है. ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर उसको मैटर कहते हैं. मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल. जिस मैटर से जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको मटेरियल बोलते हैं. राइट ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ वन आर मोर मटेरियल. टेबल इज एन एग्जाम्पल विच इज मेड ऑफ टू इज ए मटेरियल. राइट सिमिलरली नेल आर मेड ऑफ आयरन. नेल जो है आयरन से बना है सो आयरन इज ए मटेरियल. आयरन क्या है मटेरियल. ग्लास इसी तरह से अब देखेंगे आप मटेरियल वुड, ग्लास, मेटल में जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सीट, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, पेपर, रबर, लेदर, कैनवास, कंक्रीट, कॉटन, वूल, सिल्क,
नायलॉन पॉलिस्टर सीमेंट सैंड सुगर वाटर सॉयल मटेरियल्स और मटेरियल्स जो है दो प्रकार के होते हैं नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल्स एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मटेरियल जैसे वुड कोल रॉक मिनरल वाटर कोल प्लेटिनम कॉटन वूल सिल्क लेदर सैंड सॉयल ये जो है नेचुरल मटेरियल हैं जबकि आयरन स्टेनलेस सीमेंट ग्लास प्लास्टिक पेपर पेंट नायलॉन पॉलिस्टर सुगर एंड ब्रश ये जो है मैन मेड मटेरियल्स हैं। तो अब आप देख समझ सकते हैं इससे भी डिफरेंस कर सकते हैं ग्रुपिंग कर सकते हैं नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल। दूसरा है नंबर डेली लाइफ वी यूज मैनी ऑब्जेक्ट मेड ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल प्लीज नो सम सेम ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सेम ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं जैसे चेयर वुड का भी हो सकता है मेटल का भी हो सकता है प्लास्टिक का हो सकता है कंक्रीट का भी बनाया जा सकता है क्लॉथ कॉटन वूल सिल्क नायलॉन। तो ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल से बन सकते हैं मटेरियल्स भी अलग अलग चीज़ें बना सकता है जैसे वुड से टेबल चेयर डोर विंडो बन सकते हैं ग्लास से टम्बलर मिरर विंडो पैन कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यानी ऑब्जेक्ट और कोई किसी से कैसे बना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या क्या है जैसे चाय पीते हैं उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या क्या मिला हुआ है जैसे वाटर मिला हुआ है टी लीव्स है शुगर है ये जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चीज। ऐसे ही वेजिटेबल करी बनाते हैं तो वेजिटेबल सॉल्ट स्पाइसेस ऑयल वाटर जो जो आप उसमें डालते हैं दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल ठीक है। हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिफरेंट मटेरियल्स हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलग अलग मटेरियल्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं सो वी चूज ए मटेरियल टू मेक ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज विच आर सुटेबल फॉर अवर पर्पज जो हमारे उद्देश्य के लिए बेस्ट प्रॉपर्टीज है उसी का यूज करके हम बनाते हैं ठीक है। मटेरियल हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर वी कैन नॉट मेक टम्बलर आउट ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ बिकॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ कैन नॉट होल्ड वाटर राइट सेम। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स मटेरियल्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं पहला देखते हैं मटेरियल ऑफ क्लासीफाई आर सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज एप्रीलियंस एप्रीलियंस क्या था यानी दिखने में कैसा है इस आधार पर एप्रीलियंस ठीक है एप्रीलियंस क्या था डायरेक्ट असाइनिंग है डर और साइनिंग इससे पता चल जाएगा। दूसरा सेकेंड है आपका हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस हार्डनेस और सॉफ्टनेस कठोरता और कठोरता से पता चलता है सॉलिडिटी यानी घुलनशीलता सॉलिडिटी सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है एंड फोर्थ है हैवीनेस एंड लाइटनेस हैवीनेस और लाइटनेस भारी करने वाला का और पांचवा है आपका ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसलूसेंसी ट्रांसलूसेंसी एंड ऑपेकनेस
यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये क्लासिफाइड अपीयरेंस के आधार जो होते हैं, तो पहले देखेंगे बेसिस ऑफ अपीयरेंस। बेसिस ऑफ इफ वी लुक एट गोल्ड ऑर्नामेंट वी फाइंड शाइनी अपीयरेंस राइट। इन साइंस शाइनी अपीयरेंस इंडिकेट कम्स लस्टर राइट, लस्टर मींस होता है चमक। और दूसरी तरफ यदि हम लकड़ी के पीस को देखें तो उसके पास कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, वुड हैज अ डल अपीयरेंस। तो या तो अपीयरेंस डल होगा या तो शाइनी होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस ऑल मटेरियल्स क्लासिफाई इनटू टू मटेरियल हैविंग लस्टर एंड मटेरियल हैविंग नो लस्टर, यानी मटेरियल्स हैविंग शाइनिंग अपीयरेंस एंड मटेरियल्स हैविंग डल अपीयरेंस, यानी दो ही कैटेगरी अपीयरेंस के आधार पर हम कर सकते हैं ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलुमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर सैंड राइट, इनके पास कैसे अपीयरेंस है, शाइनिंग अपीयरेंस है, जबकि पेपर कार्डबोर्ड वुड चॉक कॉटन प्लास्टिक रबर इनके पास जो है डल अपीयरेंस ठीक है, तो इनको हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पहला चीज आपको समझ में आया कि दो ही होते हैं डल होते हैं शाइनिंग। दूसरा है हॉल मेस या सॉफ्ट मेस, तो इफ वी प्लेस एन आयरन मेटल विथ विथ अवर हैंड हम पाते हैं कि हम उसको किसी भी तरह से दबा नहीं पाते, मतलब आयरन जो है उसको कट नहीं कर सकते, स्क्रैच इजली नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते हैं। इट इज इट मीन्स इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस और हार्ड है राइट। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे हम एक स्पंज को बिटवीन अवर हैंड तो हम उसको जो है कंप्रेस भी कर सकते हैं, छोटे साइज में भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, झुका भी सकते हैं और स्क्रैच भी कर सकते हैं। तो अगर मटेरियल्स को डिवाइड किया जाए दो ग्रुप्स में हार्डनेस और सॉफ्टनेस में, तो हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल्स दो ग्रुप्स यहाँ पर बनेंगे, तो दो मटेरियल विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड कट बेंड स्क्रैच और हार्ड मटेरियल्स जैसे आयरन स्टील wood, stone, bricks, glass, bones, teeth, diamond. These are very hard materials. And those substances which cannot be easily compressed, cut, bent, or stretched, are for soft material. Just as sponge, cotton, wool, foam, rubber, candle, wax, butter, chalk, clay, floor, leather. एंड नेक्स्ट है आपका तीसरा सॉलिडिटी और इनसॉलिडिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ देयर सॉलिडिटी इन वाटर, वाटर में घुलनशील है या नहीं घुलनशील, मटेरियल विच आर सॉलिबल इन वाटर एंड मटेरियल विच आर नॉट सॉलिबल इन वाटर। तो हम देखेंगे कि कौन से मटेरियल्स सुगर कौन से मटेरियल जो है सॉल्युबल है, जैसे कॉमन सॉल्ट, वाशिंग सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, एलम, मिल्क, लेमन जूस, ग्लिसरीन, अल्कोहल, पिज्जा वाटर सॉल्युबल मटेरियल, वाइन, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, सल्फर, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, फ्लोर, वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड केरोसिन पेट्रोल, दिस इज आर इनसॉल्युबल इन वाटर राइट। तो वी विल नाउ डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर राइट, मीन्स ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज वो भी जो है सॉल्युबल है राइट। द टू गैसेस, टू एग्जाम्पल ऑफ गैसेस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो डिजॉल्व नहीं होती हैं उनको अगर देखेंगे नाइट्रोजन और मीथेन, ये डिजॉल्व नहीं होती हैं, इनको मार्स गैस बोलते हैं राइट। चौथा देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है मटेरियल सॉल्युबल इन वाटर एंड मटेरियल विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मिल्क, वाशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, कॉमन सॉल्ट, शुगर,
alcohol, alum, potassium permanganate. These are soluble in water, and fluor, chalk powder, chalk. This is not soluble, insoluble in water, right? Sand, wax, gloss, plastic, kerosene, coconut oil. This is not soluble in water. And food heaviness and lightness. I am telling you. Classify material on the basis of their heaviness and lightness with respect to water. So, इसको material which are heavier than water, material जो पानी से भारी हो, और materials which are lighter than water. So, in order to find whether a material is heavier than water or lighter than, तो हम एक experiment. Iron is a material which is heavier than water. Some materials which are heavier than water. Iron, aluminium, copper, silver, gold, stone, glass, chalk, soil. These are heavier. And so lighter and wood, plastic, sawdust, dry leaves, ice, oil, groundnut, mustard oil, kerosene, सब lighter है, right? अब तीसरा जो classification का यानी separation का है, वो transparency, translucency and opaqueness. पहले इसको समझ लीजिए. Transparency मतलब जिसके आस पास देखा जा सके, ऐसा object जिसके आस पास देखा जा सके, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस ट्रांसलूसेंसी आधा देखा जा सके, सेमी डायमेंशनल, एंड ऑब्जेक्ट जिसके आसपास देखा नहीं जा सके. दीज आर तीन ऑब्जेक्ट हैं. तो इनके आधार पर अगर हम देखेंगे, ऑल द मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ऑपेकनेस. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन होते हैं? दो मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, जिसके हम क्लियरली देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी क्लियरली थ्रू ए ग्लास मटेरियल. सो ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास, एयर, वाटर, राइट, सम प्लास्टिक लाइक पॉलीथीन, ग्राउंडनट, अल्कोहल. इनके आस पास हम देख सकते हैं. वी कैन सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, राइट. द सॉफ्ट पीपल यूजली कीप द स्वीट्स, बिस्किट, टॉफीज, चॉकलेट, ईटीसी इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, सो द कस्टमर कैन सी दीज आइटम केयरफुली इजीली. एंड दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं, राइट, जिसके आस पास हम आसानी से नहीं देख पाए, पूरी तरह क्लियरली नहीं देख पाए, तो भी उनको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं. दोज मटेरियल थ्रू विच कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास विंडो ऑफ आवर बाथरूम. सो ग्राउंड ग्लास इज ट्रांसलूसेंट, पास थ्रू देम ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम कैन नॉट बी सीन क्लियरली. एंड सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट, ग्राउंड ग्लास, वाटर पेपर, ऑयल्ड पेपर, टिश्यू पेपर, मडी वाटर, क्लाउड. वी कैन नॉट सी क्लियरली टू ए ट्रांसलूसेंट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट ए बर्निंग कैंडल थ्रू अ पीस ऑफ ग्राउंड ग्लास, वी कैन सी ओनली अ डिम लाइट ऑफ कैंडल. और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हो गए. ऑपेक क्या होते हैं? ऑपेकनेस, अपारदर्शी जिसको बोलते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता. जैसे अगर कोई कार्डबोर्ड है तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं. बहुत सारे मटेरियल, बुक है, पेपर है, यू कांट सी जस्ट अपोजिट, इससे आप देख नहीं सकते हैं, तो यह ऑपेकनेस है. तो इस बेसिस पे हम उसको तीन आधार निभा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गुड डे.